नमस्कार दोस्तों, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के बयानबाजी गर्मा गई है। गोहाना में सियासत गर्माई, नेता सभाओं में एक दूसरे पर चला रहे हैं शब्द बाण। जी हां, किसानों पर कृषि कानूनों को जबरदस्त थोप दिया गया है, जिनको कांग्रेस की सरकार आने पर फाड़कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा, ऐसा जो बयान आया है, जो कांग्रेस ने घोषणा की है, उसको लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पंजाब ने किसानों की आजादी को छीन लिया है। पंजाब में धान की खरीद के लिए केंद्र करीब 32,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। पंजाब सरकार ने यह गारंटी नहीं दी कि केंद्र की खरीद के बाद कौन खरीददार होगा, क्योंकि जिन फसलों को पंजाब सरकार खरीदती है उन पर किसानों को भ्रम में रखा जा रहा है। जी हां, जैसे कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के विभिन्न पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं, वहीं बड़ौदा के रण में विभिन्न नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले कृषि कानूनों को फाड़ने की बात पर गृह मंत्री अनिल विज ने अपने अंदाज में तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सपने देखती है और सपने कभी सच नहीं होते, न नोमन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी। विज ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में पास किए विधेयकों को पढ़ा जाएगा और जो भी किसानों के हक में होगा वह करेंगे। अभी भी ये देखना है कि कोई राज्य इस तरह से कर सकता है या नहीं। वहीं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा। दोनों दल मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ौदा में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी कृषि कानून कोई मुद्दा नहीं है। कृषि कानून के मामले में कांग्रेस जनता की दोनों दलों के खिलाफ करने में लगी थी, लेकिन इस मामले में कांग्रेस की कलाई खुल चुकी है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में यह बात कही। इस मौके पर उनके साथ मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि बड़ौदा में भाजपा जजपा गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। बड़ौदा में कांग्रेसियों को दिन रात भागना पड़ रहा है। कांग्रेस को जींद उपचुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। जी हां, सियासी बयानों को लेकर के जिस तरह से गोहाना में विभिन्न पार्टियों के दफ्तर खुलने के बाद बयानबाजी शुरू हो गई है, बड़ौदा का उपचुनाव पर पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें टिकी हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि विधानसभा में कांग्रेस कृषि कानूनों के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लाएगी, तब देखेंगे कौन इसका विरोध करता है। अशोक तंवर ने कहा है कि सीएम भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का स्टीयरिंग अपने हाथ में होने की बात कह रहे हैं, लेकिन यह स्टीयरिंग कभी भी उनके हाथ से चला जाएगा, यह मेरे हाथ में भी था जो चोरी हो चुका है। तंवर ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लेकर कहा कि चुनाव में जितने भी नेता सक्रिय हैं वह पापी है और कांग्रेस किसी चिड़ियाघर से कम नहीं है।